Chip up Union! We got bus! We won! That's this! 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 And the damn open! आप देख रहे हैं दालूपुर रिपोर्ट। आप मेरे सामने पीछे इस समय देख रहे होंगे किस तरह यहाँ पे गाड़ियों का जाम है, और साथ ही साथ में टोन हाल की बात करूँगा। टोन हाल का ये बाइक आप देख सकते हैं, एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी, जो अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, काफ़ी दिनों की, काफ़ी महीनों की बात है, जब से ये डिमांड पे थे, अपनी डिमांड पे थे, डेली वेजर्स पे, कि हमें परमानेंट कर दिया जाए, हमारी जो सैलरी है उनको बढ़ाया जाए। लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आते हुए आज इन्होंने फिर से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो कचरा है, कचरा इन्होंने म्यूनसिपलिटी के बाहर, टोनहाल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पे इसके बाहर भर दिया गया है। यहाँ पे सामने डाल के करेंगे कि क्या इनकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है। बार बार तो ये अपील कर रहे हैं, क्यों, क्या बैरी हो चुकी है सरकार, क्या नहीं सुन समझ नहीं आ रहा। तो हम इनसे बात करेंगे यहीं पे कि इनकी क्या क्या साल से काम कर रही है, जहाँ तक कि गवर्नमेंट ने एक SRO निकाला, SRO 4 के 7 साल के बाद कैजुअल लेबर को परमिट किया जाएगा। आज 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है 6,700, और गवर्नमेंट ने वो 2019 में 5 अगस्त को ड्यूटी बनाया था। हम यही बोल रहे हैं कि जो ड्यूटी का रेट है वो दिया जाए, मगर आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो अब आपने इस तरह से प्रदर्शन दिखाया है सामने म्यूनसिपलिटी के, यहाँ पर कचरा डाल के टोन हाल के लिए क्या खाना है, क्या आप सर, ये है कि क्योंकि हमारे जो कैजुअल लेबर है इनको हिरासमेंट कर किया जा रहा है, हमारे जो अफसरशाही है वो हिरासमेंट कर रहे हैं हमारे कैजुअल लेबर। कौन है इसमें नाम? इनमें हमारे ऑफिसर जो है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चेयरमैन साहब है हमारे, चेयरमैन बेबी साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से यही किया गया कि क्योंकि इनसे जब ये चेयरमैन बन गए थे, उसके बाद हम इनमें जो ये हमारा हेडक्वार्टर, यहाँ मीडिया का हेडक्वार्टर है, वहाँ इन्होंने इंटरव्यू एक किया हुआ था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपका मसला हल नहीं हो जाएगा, हम भी आपके साथ दरी पे बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। मगर आज तक वो मसला हल नहीं हुआ, तो ना उनकी तरह से, बस यही है कि हरासमेंट कर रहे हैं हमारे स्वीपरों को। क्या कह रहे हैं, अगर हमारे जाते हैं आप उनसे मांगते हैं अपनी, फिर क्या कर? कल एक सफाई कर्मचारी कैजुअल लेबर ने मेरे को फोन किया, फोन पे ये बताया गया कि मुझे चेयरमैन साहब ने फोन करके बोला कि बच्चू अब तू गया, अब तुझे, मेरा नाम सजाद अहमद है, कि अब तुझे सजाद तनख्वाह दे देगा, अब तू गया है, अब तुझे दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक किस्म की धमकी हो गई है। क्या डराया जा रहा है? जी सर, कल मेरे को चेयरमैन ने फोन किया, बोलने का तुझे सजाद अहमद तनख्वाह देगा, बोलने का मेरे, मैंने बोला सर, मैं बोला कि मैं इस बात से काम पर आ जाऊँगा, वो बोले लगे मेरे को सजाद अहमद दे देगा। उस टाइम उन्होंने बोला था, जिस टाइम कोविड टाइम काम कर रहे थे, रात को चेयरमैन साहब हमको फोन करते थे, कोविड में काम करो, हम रात को आ जाते थे। वो किस हद तक जा सकता है कि हमको बोरे निकाल देंगे? अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मुझे किसी वजह से निकाल दिया गया, उसका जिम्मा चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब होंगे, चेयरमैन साहब होंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को रात को धमकी दी है। कि क्या उन्होंने रीज़न दिया आपको? क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न यही है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। हक मांग रहे हो? हम अपना हक मांग रहे हैं। तो आपको जॉब से निकाला जा रहा है? हाँ, मेरे को जॉब से निकाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से इनको धमकाया भी गया है, यहाँ पे बताया चेयरमैन के हवाले उनको बताया गया है यहाँ पे कि आप अपनी पेमेंट जो है वो इनसे ले, जो इनका लीडर है वो आप उनसे ले, यहाँ पे आपको आने हमारा
के साथ जो डोरा का कचरा है वो यहाँ पे कचरा लेके आ चुके हैं और साथ में यहाँ पे जाम लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा कचरा बड़ा हुआ है, यहाँ पे साथ ही साथ में पीछे और भी है और साथ में यहाँ पे जाम भी हो चुका है टोन हाल के बाइट। लेकिन मैं यही अपील करना चाहूँगा कि गरीबों की आवाज़ को दबाया ना जाए, इनको उठाया जाए और मैं लोगों से भी यही कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दें, शेयर करें और लोगों के सामने लाएँ। जो गरीब हैं, जो देखो आप जानते हैं किस तरह से हमें कोविड के दौरान कोविड-19 के दौरान हम घर में होते थे, हम बंद होते थे, लेकिन ये सफाई करते थे, गंदी नाली में उतर के उसे साफ करते थे। तो हमारा भी कहीं ना कहीं हक बनता है कि हम भी इनके लिए जिम्मेदारी उठाएं और साथ में इनके एक साथ इनके साथ खड़े होकर इनका साथ दें। तो मैं आपको रिपोर्ट देता रहूँगा, मैं बात दूंगा लोकल रिपोर्ट से।